trying to steal you, but you fell apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। तो आज मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। करीब दो ढाई महीने बाद मैं घर से बाहर निकला हूँ एंड निकला हूँ तो सीधे कोलकाता। जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने एक ब्लॉग में बोला था कैफे एचक्यू में कि मैं गुड़गांव कब तक जाऊँगा मुझे नहीं पता, बट फिलहाल मैं जनवरी से मैं दिल्ली में हूँ एंड मार्च से मैं गुड़गांव में हूँ। गिव मी अ सेकंड। एंड गुड़गांव में था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो ये अनलॉक वन का जो कि 8 जून से चल रहा है उसका फ़ायदा मिला। तो अब मैं कोलकाता जा रहा हूँ। 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 4:30 बज रहे हैं, मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। क्योंकि 2 से 3 घंटा एयरपोर्ट पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस कोविड सिचुएशन के टाइम। रूल्स एंड रेगुलेशन फ़्लाइट में ट्रैवल करने के काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जो पहले इतना ईजी या फिर जो भी पहले था, अब उससे कई ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मास्क एंड ग्लव्स। और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथों के अंदर बिल्कुल पसीना, और ग्लव्स की वजह से आप फ़ोन को फिंगरप्रिंट से अनलॉक नहीं कर सकते, और मास्क की वजह से फेस से भी नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि टाइम शायद पीछे जा रहा हो, फिर से हम लोग वहीं पर आ गए हैं पासवर्ड से अनलॉक करने में। बट या सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ग्लव्स एंड मास्क, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, वो मैंडेट है। वेब चेक इन आपको करना है, वो भी मैंडेट है, 48 hours to 60 minutes के अंदर जब आपकी फ़्लाइट है उससे। एंड टिकट का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, एक हेल्थ डिक्लेरेशन हर एक फ़्लाइट की तरफ से आपको मिलेगा, उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एंड प्लस जिस भी आप स्टेट में जा रहे हैं वहाँ का रेगुलेशन आपको स्ट्रिक्टली और मैंडेट फॉलो करना है। अब जैसे कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ तो वहाँ पे एक मैंडेट ऐप है शोंधो ने, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आपको डिक्लेरेशन फिल करना होगा, अपनी डिटेल्स एंड ऑल, वहाँ से आपको फिर एक कंफर्मेशन मिलेगा दैट यू आर सेफ एंड आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसको भी आपको, मतलब वो मैंडेट है तो वो भी आपको रखना है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगर COVID-19 और इस बीच में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इन सारी बातों का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एंड ये इलास्टिक वाला ग्लव्स ना हाथ में काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत करता है, तो बेटर यही है अगर आपको मिले तो या तो आप कपड़े वाला ग्लव्स पहनिए या फिर डायरेक्ट वो जो प्लास्टिक जो पन्नी वाला होता है ट्रांसपेरेंट वाला, क्योंकि एटलीस्ट उसको आप चेंज कर सकते हैं जब भी आप चाहें। ये हाथ में एक तो लगता है, ऊपर से एयर पास नहीं होता है, पता नहीं इंसान ने अपनी लाइफ को और अपने आप को क्या ही बना लिया है। पहले शायद हम ज़्यादा अच्छे थे। और हाँ, काफ़ी कुछ बदल भी गया है, जैसे कि आप गाड़ी से उतरेंगे तो सबसे पहले ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, वो भी एयरपोर्ट के बाहर। एक ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, आपको अपना बस PNR एंटर करना है। उसके बाद लाइन बैरियर बेल्ट से होते हुए एक कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचना है, जहां पे आपका बैग जो है वो सैनिटाइज होगा। उसके बाद फिर सिक्योरिटी चेक है, जहां पे आपका बोर्डिंग पास और आपकी ID चेक होगी। जब आप अंदर आएंगे तो फिर से आपको एक बैगेज टैग है जो कि आपको फिर से एक ऑटोमेटेड मशीन से लेना होगा। मतलब ज़्यादातर सब कुछ यहाँ पर सेल्फ सर्विस हो गया है और सिर्फ PNR से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बैगेज काउंटर में जाना है, टैग आपको खुद ही लगाना होगा, वो आपको कोई नहीं लगा के देगा। टैग लगाने के बाद बैगेज सबमिट करेंगे, फिर से सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद ये लॉन्च पे आप बैठ सकते हैं, जहाँ पे मैं अभी आके बैठा हुआ हूँ। वैसे कोविड के टाइम पे ट्रैवल करना रिस्की तो है, लेकिन एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खाली है। इतना खाली दिल्ली एयरपोर्ट मैंने तो कभी नहीं देखा इससे पहले। सी, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग। ये फेस कवर है और ये PPE किट है। अगर आपकी बी रूम में सीट है, यानी कि सेंटर सीट है, तो ये PPE किट भी ये लोग साथ में दे रहे हैं ताकि आप सेफ रहें। एंड एज यू नो, COVID-19 सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ बी सेफ, स्टे होम। यहाँ पे बुलावा आ गया है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एंड चेंज संगीत तो सुन तेरा मुंह खुलेगा।
मिलेगा, शब्दों का रस तेरे मुंह में घुलेगा। हर फुल टॉस पर सिक्स नहीं लेने का, बाबू भैया बोले बिल्कुल डिक्स नहीं लेने का, होकर का दंगल है। This is exactly how I'm looking सब कुछ पहनने के बाद। And by the way, इतना कुछ आपको तभी पहनना है अगर this is all, अगर आपकी सेंटर सीट है तो, जैसा कि मैंने बताया, यानी कि बी और ई। अगर बी और ई के अलावा कुछ दूसरा है तो इतना कुछ पहनने की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, फेस मास्क, ग्लव्स एंड फेस गार्ड, ये इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, ये बस सर्विसेज भी बंद है, इसीलिए हम ये ब्रिज से जा रहे हैं। कोई भी बस नहीं चल रही है, कितने भी फ्लाइट हैं वो सिर्फ गेट नंबर 5 और 6 से ही जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई वाले दूसरे गेट से हैं, बट 3 ही गेट है खुला हुआ, और बसेज बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। जो भी है ये ब्रिज से ही है, जितनी भी फ्लाइट जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सेफ भी है ना, बस में तो खुश के भर जाते हैं लोग। काफ़ी ताज्जुब की बात है कि लोग खुद से इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है इस चीज़ को लेकर। I really don't know for what so reason they didn't allow me to shoot inside the aircraft. तो इसीलिए मैं अंदर का कुछ दिखा नहीं पाया और ना मैं अंदर का कुछ शूट कर पाया। बट इस तरीके से ट्रैवल करना और 2 घंटा बैठे रहना, ये सब कुछ पहन के, इट्स रियली टफ। बट एनी वेज, फाइनली आई रीच कोलकाता और अभी बैगेज लेते हैं, कैब बुलाते हैं उसके बाद में। दिल्ली एयरपोर्ट से तो खाली कोलकाता एयरपोर्ट सी, कोई नहीं है आसपास। खैर, रात का 9 भी बज रहा है, डोंट थिंक इस टाइम पे कोई फ्लाइट होगी। आई डोंट नो बट आई डोंट थिंक यू होप। फाइनली मुझे कैब भी मिल गई है, और आज एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसा लगा कि लोगों को ना अपनी कदर नहीं है। मतलब एयर होस्टेस मम्मी की तरह सबको चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि प्लीज बी सीटेड, व्हेन योर टर्न विल कम तब आप उठ के अपने सीट से मतलब निकलिए, बाहर जाइए। ये 2 सेकंड की किस बात की हड़बड़ी होती है ना, मुझे आज तक कभी भी समझ में नहीं आया। सिग्नल पे खड़े हैं, सिग्नल रेड से ग्रीन हुआ भी नहीं, सेकंड 2-3 बचा हुआ है लेकिन तभी निकल गया। जिंदगी तुम्हारी है, बचानी तुम्हें ही है। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, क्योंकि आज एयरक्राफ्ट में कहीं से कहीं तक नहीं था, किसी ने भी नहीं। ये झोंगा पहन लेने से कोई बच नहीं जाएगा, बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दूसरों को बताइए कि हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, लव यू ऑल।